देख रहे वो आंगन उसकी चमेली। मैं तो हुई रे बाबर तन्हा अकेली, थाम के उंगली तेरी खोजी थी राहें, बिन तेरे सारे मंजर जैसे पहले। माला मिस कॉल दे रही थी। माला? हाँ माला, घबराई हुई थी, रो रही थी, चिड़िया कहीं खो गई। क्या? और आज किस्मत की खराबी देखो, मेरा मासूम बेटा नाकुर्दा गुनाहों के नतीजे में कल थाने में पड़ा हुआ था और वहां से निकल के आज अस्पताल पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे नादिर ले गया हो? वो क्या ले जाएगा, वो तो नफरत करता था उससे। वो क्या, उसकी दादी, उसकी फूफी, सबकी आंखों में वो खटकती थी। कौन? मैं हूं अहमद। क्या हाल चाल? अच्छा, आप चिड़िया का कुछ पता चला? नहीं, वो अम्मी और बजो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। अंदर बैठने का नहीं कहोगी? अब्बू घर पे नहीं है। और इरशाद? वो सो रहे हैं। फिर तो बड़ा अच्छा मौका। क्या मतलब? कुछ नहीं, अंदर बैठने का नहीं कहोगी? देखो ऐसे कोई देखेगा तो जाने क्या क्या सोचेगा। हाँ बैठ जाओ। आप तो जावेद? बेटा जावेद, 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 यहीं पे, यहीं पे दिलकश गिरी थी। और फिर वो चली गई। दूर कहीं चली गई। मैं भी जाना चाहता हूँ डैड, मैं भी जाना चाहता हूँ डैड, मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। संभालो अपने आप को बेटा, होश में आओ। देखो अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। मेरी बात क्या? कौन सी बात मानेंगे आप डैड? मैं चाहता हूं तुम ठीक हो जाओ। तुम इस तरह की बातें करती हो तो बेटा मैं बहुत अजियत में आ जाता हूं। कुछ कहूं अजियत ना था। अजियत डैड? अजियत? जियत में तो मैं हूं डैड। तकलीफ तो मुझे होती है, आप तो आजाद हैं। बेटा ये कैसी आजादी है, जवान बेटे के होते हुए बाप अपने बेटे के साथ एक नॉर्मल लाइफ में गुजार सकते? बेटा बस तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, सब कुछ। दिलकश लाके दे सकते हैं डैड? बेटा मैं नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कर सकते डैड,
मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता डैड, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे तुम ठीक कह रहे हो, वापिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, एक मजबूर और बेबस बाप हूं जो अपने बेटे की ख्वाहिशात को भी पूरा ना कर सका, अपने जवान बेटे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। रोते नहीं है, आप ही ने तो कहा था रोना अच्छी बात नहीं होती। रोते नहीं है ना? रोते नहीं है? दरवाजे पर तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि घर पे कोई नहीं है, चंदा अम्मी अब्बा बाहर हैं, इरशाद सो रहा है, मौका अच्छा है। जहन में रखना, अगर आप ऐसी कोई फजूल बात की ना तो मैं थप्पड़ मारने में देर नहीं करूंगी। मैं कह रहा था कि घर पे कोई नहीं है, हम बैठकर बात कर सकते हैं, मौका अच्छा है। इस घर पे आफतें आई हैं, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी सर चढ़ जाती है। हमारी चिड़िया खो गई है, इरशाद की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, तुम्हें फजूल बातें सोच रही हैं। तुम परेशानी में कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसी ही प्यारी लगती रहना, बस तुम ऐसे ही खूबसूरत लगती रहना, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं। कुछ सोच रही हो? बताओगी नहीं क्या सोच रही? देखो झूठ मत बोलना, सच सच बता। सोच रही हूँ कि तुम कौन? क्या मतलब मैं कौन? हाँ, कौन हो तुम? ऐसे तेजी से मेरी जिंदगी में आ गए, देखते ही देखते इस घर का हिस्सा बन गए। अभी चंद दिन ही तो हुए हैं और मेरे इतने करीब आ गए। मैं जानती ही क्या हूं तुम्हारे बारे में, कौन हो तुम? मैं अहमद हूं, इसी मोहल्ले में रहता हूं, यही दो चार गलियां छोड़कर, इरशाद का दोस्त हूं, इतना तो तुम जानती हो। पता है। और इसके अलावा बस एक बात और। वो क्या? और वो ये कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो, प्यार करने लगा मैं तुमसे, और ये प्यार ही है जो मुझे तुम लोगों के करीब ले आया। जब तुम बोलती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, कसम से मेरे घर में तो तू तड़ाक के अलावा कोई बात ही नहीं होती, कोई सीधी बात भी हो ना तो लगता है बेइज्जती सी हो रही है। मेरी शुरू से यही हसरत थी कि किसी अच्छे खानदान की लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड। जिस लड़की से मोहब्बत हो ना उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं। लेकिन एक बात है मत। वो क्या? तुम झूठ बहुत अच्छा बोलते हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? अम्मी खबरदार, जो मुझे अम्मी का है, तेरा मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने इस घर की दहलीज फैलांगी थी। शायदा बहन, बहुत गलत बात कर रही हैं आप। इसने इस घर की दहलीज बेचारी ने कब फैलांगी है? आपने इसको मार मार कर जलील करके इस घर से निकाला है। अरे तो क्या हुआ, शहर क्या बीवियों पे हाथ नहीं उठाते हैं? और इसके करतूत ऐसे हैं कि इस पे हाथ उठाया जाए? ये तो मेरे बेटे ने बहुत लिहाज कर लिया, वरना तेल छिड़क के आग लगा देते हैं शौहर तो। हमारी बच्ची पर तो आप लोगों ने, अम्मी हम लोग ये बातें नहीं करने आए। तो कौन सी बातें करने आए हो भाई? मुझे कोई बात बात नहीं करनी, अच्छा तुम लोगों के साथ चलो रस्सा नापो। मेरी बेटी, मेरी चिड़िया। क्या हुआ चिड़िया? मेरी चिड़िया खो गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। वो कहीं यहाँ तो नहीं आ गई? उसे कोई लेके तो नहीं आया? यहाँ क्यों आएगी चिड़िया, और कोई उसे यहाँ क्यों लेके आएगा? अरे तुमसे कह दिया ना मैंने, यहाँ ना कोई चिड़िया है ना कोई कौवा, झूठ बोलूंगी क्या तुम लोगों से? चलो निकलो यहाँ से, चलो। जाने के साल में होगी मेरी चिड़िया, उसकी निगाहें मुझे ढूंढ रही होंगी, उसने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं। अरे तो ख्याल रखना चाहिए था ना, लेकिन तुम उन माओं में से कहाँ हो ये बच्चों का ख्याल रखो। अरे निकल जाती होगी किसी के साथ गुलचर्रे उड़ाने। बस शायदा बहन बस, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए, हम तो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए आए थे। तुमसे कहा ना मैंने कि ना तुम्हारी चिड़िया यहाँ आई है और ना ही उसे कोई यहाँ लेके आया, और अगर कोई लेके भी आएगा तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? चलो। अपनी चिड़िया के लिए तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, अगर मेरी चिड़िया का कुछ पता चले मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा चलो चलो, ड्रामा नहीं करो, निकलो चलो। चलो बेटा चलो, चलो। ये ले दूध पियो। नहीं हम नहीं पियेंगे, हमारी अम्मी हमें उनकी बहुत याद आ रही है। ये दूध पियो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगा, ये लो। नहीं। ये दूध पियो तो मैं तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगा, पकड़ो। चुपचाप ये दूध पियो, जब तुम दूध पी लोगी ना फिर मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाऊंगा। आवाश दूध पियो। हेलो, हाँ क्या हुआ? अभी तो गई हो, दोबारा फोन कर रही हूँ। इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, फोन क्यों उठाते हो? बच्ची ने जिंदगी अजाब की हुई है कसम से, बात ही नहीं मारी, बड़ी मुश्किल से उसको दूध दिया है। एक गड़बड़ हो गई है। क्या? वो कमीनी यहाँ तक पहुँच गई है। कौन? चिड़िया की अम्मा। और कौन? फिर क्या? अगर वो यहाँ आ सकती है ना वो तुम तक भी पहुँच जाएगी। तो फिर क्या करूँ, मार के फेंक दूँ चिड़िया को? पागल हो गए हो क्या? मार दोगे उससे तो उससे क्या होगा? तो फिर क्या करूँ भाई, तू बता दे, तूने तो हाथ पैर फुला दिए मेरे। कुछ भी नहीं होगा, अभी भटक रही है ना, भटकने दो, थोड़ा ना उम्मीद हो जाएगी ना तो बैठ जाएगी घर। अच्छा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। मुझे अम्मी के पास जाना है। तुम्हें मैंने कहा था ना कि वहां बैठकर दूध पियो, कहा था? नहीं मैंने कहा था ना कि चुप कर पहले दूर बैठ, हैं? लेट जाओ, लेट जाओ। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली ना तो सारी जिंदगी यही पड़ी रहोगी तुम।
अबू सुबह से इधर बैठे हैं, इतनी देर बाहर घूमते रहे हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है ना दवा ली है। चलें थोड़ी देर लेट जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें। अबू बेटा, जिंदगी में आराम कहां, आराम ही तो नहीं मिला, बस सिर्फ जिंदगी मिली और कुछ नसीब ही नहीं हुआ, ना आराम ना आसूदगी। मुझे अपने रब से कोई शिकायत हो रही है, मेरी क्या मजार की भी शिकायत हो, जिस साल में भी रखे शुक्र उसका, जो दुख को तकलीफ देता है ना वो फिर राहत भी देता है, सुकून भी देता है। मैं उसके साथ से मायूस हो रही हूँ। अबू इस सब में आप एक चीज भूल रहे हैं, क्या कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी सेहत सही नहीं रहती। अबू थोड़ी कोशिश कर लो मेरे लिए, थोड़ी देर लेट जाओ, आंखें बंद करेंगे शायद अंदाज है। बेटा इस हालत में ना तो डेटा जाएगा, ना आराम आएगा, ना नींद आएगी। जब दिल बेचैन होता है ना तो आंखों से नींद भी उड़ जाती है। तुम्हारी ना और चंदा आ जाए ना तो मेरी आंखें तो दरवाजे पे टिकी, वही पता नहीं दोनों कहां हमारी मारी घूम रही होगी। रात होने को है अभी तक नहीं आई। आ जाएंगे, जब आएंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको उठा दूंगी। आप चलो, मैं आपको पानी खाना और दवा देती हूँ। तुम अभी बात छोटी हो बेटा, मैं औलाद की जो औलाद होती है तो औलाद से ज्यादा प्यारी होती है। जैसे जिनकी जान जो है तोते में होती है ना, इसी तरह से मेरी जान जो है तो मेरी जान चिड़िया में एक मिसाल है कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। माला जब तक चुड़िया नहीं मिल जाएगी मैं ना आराम से रह पाऊंगा, ना टैक्स से, ना कोई दवा काम करेगी, ना आराम। परवरदिगार और नताजमा मेरी चिड़िया को, मेरी चिड़िया मुझे मिला। बहुत मुसीबत में हो। मुसीबत में? क्या मुसीबत है? मेरी चिड़िया खो गई है। चिड़िया खो गई है? मेरी इज्जत दांव पे लगा दी है तुमने। मैंने क्या किया माला? बाहर बाहर मेरे सब घर वाले मौजूद हैं, भैया मम्मी बच्चों और तो वो काकड़ भी आ गए। अगर किसी ने में से किसी ने भी तुम्हें मेरे साथ यहां देख लिया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी अहमद।